हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सीएपीएफ एग्ज़ाम के जो पेपर टू होता है उसके ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। ये जो आप ग्रामर का क्वेश्चन देख रहे हो ये 2017 में पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट देख रहे हो ये मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया था। और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जाना, वहाँ पर आपको ये फाइल दिखेगी। अब आप देखते हैं इंस्ट्रक्शन, बहुत ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन पढ़ना। लिखा है री राइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी जैसे डायरेक्ट किया गया है वैसे री राइट करना है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, इसका मतलब आपको इस ब्लैंक में आर्टिकल फिल करना है मगर री राइट भी करना है और आर्टिकल भी फिल करना है। तो आप सिर्फ आर्टिकल फिल करके आगे नहीं बढ़ोगे, इस सेंटेंस को आपको पूरा लिखना है। पहले ब्लैंक लिखोगे, फिर यूनिवर्सिटी साइंस और ह्यूमैनिज्म, टॉलरेंस, प्रोग्रेस एक्सेट्रा ये लिखोगे, फिर उस ब्लैंक को फिल करोगे जो आपने री राइट किया है। गॉट माई पॉइंट? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन में अगर री राइट है तो आपको री राइट करना पड़ेगा। अगर आप री राइट नहीं करके सिंपली इसमें ब्लैंक फिल कर देते हो तो मैं आपको बता रही हूँ आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए ना वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ये इम्प्रेशन एग्जामिनर पे आएगा कि ये जो कैंडिडेट है ये इनडिसिप्लिन्ड है, केयरलेस है, इररिस्पॉन्सिबल है, इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वैसे ही यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है मगर आपको पूरा रीराइट करना पड़ेगा इस स्पेस में जो दिया गया है, ही ऑफन गेट्स, ओके। वैसे ही यहाँ पर भी है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ओके। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है अपने वीडियोस में, इसमें कुछ भी नहीं करना है। पुट द करेक्ट क्वेश्चन टैग, इसमें भी आपको पूरे आंसर्स को रीराइट करना पड़ेगा, ओके। अब हम देखते हैं ये वाला, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म, ये लिखा हुआ है। अब आपको ये एल्गा लिखा हुआ है, अब फिर आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको रीराइट करना है सेंटेंस को। जैसे एल्गा लिखा है तो आप यहाँ पर पहले लिखोगे प्लूरल, ठीक है, ऐसे करके प्लूरल लिखोगे, और फिर इस एल्गा का प्लूरल क्या होता है आप वो लिखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा है गिव द प्लूरल फॉर्म, तो आपने प्लूरल फॉर्म दे दिया है। तो 5 into 2 है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो आपको प्लूरल लिखने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिखा तो। अब लिखा है मेक द सेंटेंस, तो फिर आप यहाँ पर एक एल्गोरिथम से सेंटेंस बना दोगे। ये तरीका होता है लिखने का, ओके। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था 20 AC 10 में, ये करण का टेस्ट पेपर है जिसको मैंने आज ही इवैल्यूएट किया है, 20 AC 10 टेस्ट पेपर है ये। अब आप देखेंगे कि इसमें करण ने बहुत अच्छे से ये वाला जो आंसर है लिखा है, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ा है। यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन 2 separate sentences एज डायरेक्टेड, लिटिल एज एन एडजेक्टिव आपको यूज करना है सेंटेंस में और लिटिल एज एन एडवर्ब यूज करना है। अब आप देखिए, लिटिल लिखा, ए लिखा लिटिल, और फिर एडजेक्टिव, और फिर यहां पर ही हैज अ वेरी लिटिल नॉलेज, फिर लिटिल बी लिखा, फिर बी लिखा, फिर लिटिल लिखा और एडवर्ब, और फिर यहां पर इसने इस पर सेंटेंस बनाया। तो मुझे पता चल रहा है कि लिटिल यहां पर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसमें लिटिल एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये तरीका होता है लिखने का। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लास्ट टाइम मैंने एक पेपर इवेल्युएट किया था, मुझे नाम भी याद नहीं है, तो उसने बस ऐसे सेंटेंसेस लिख दिए। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ वो पेपर भी। ये अंकिता का टेस्ट पेपर है, ये भी 20 AC 10। अब आप देखिए, 2 sentences लिख दिए, पता ही नहीं चल रहा कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव है, कौन से सेंटेंस में एडवर्ब है। तो एग्जामिनर को पता चल जाता है भाई आपको इंस्ट्रक्शन आप पढ़ते नहीं हो या पढ़कर भी आप फॉलो नहीं करते हो। देखिए मैंने सारा इसमें रॉन्ग कर दिया है, और कोई करेगा भी क्या, सिर्फ देखिए अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने से कैसे पता चलेगा, अच्छा ये अंडरलाइन है तो ये वर्ब है, ये अंडरलाइन है तो ये प्रेपोजिशन है, ऐसे नहीं पता चलता है। आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। अब जैसे करण ने लिखा है आप वैसे ही लिखो तो बेटर रहेगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, फॉलो भी करना बहुत जरूरी है। ये 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि मैम जैसे फ्रेजल वर्ब आया है
जैसे ब्रेक डाउन है तो ब्रेक डाउन का ब्रोक डाउन कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हो, मगर इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, तब बिल्कुल नहीं चेंज करोगे। ब्रेक डाउन है तो ब्रेक डाउन से ही बनाओगे, ओके? मगर इसमें अगर नहीं लिखा है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं चेंज करना है और या चेंज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। यूजुअली हम वर्ब में ऐसा करते हैं चेंज, मगर यदि एडजेक्टिव आया है, एडवर्ब आया है और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है, तो उसमें आप वर्ड फॉर्म बिल्कुल नहीं चेंज करोगे, चाहे इंस्ट्रक्शन में लिखा हो नहीं लिखा हो, ओके? मगर जब वर्ब आता है, उससे आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाता है, तब यदि अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, तब नहीं चेंज करना। मगर यदि लिखा हुआ नहीं है ऐसा, तब आप वर्ब वाला जो है उसको आप चेंज कर सकते हो, ओके? जैसे आयरन आउट है, तो आयरन आउट बेसिकली फ्रेजल वर्ब है और इसमें आयरन वर्ब का काम कर रहा है, तो आप इसका आप चेंज कर सकते हो, आयरन्ड, आयरनिंग आप कर सकते हो, मगर इसमें लिखा है डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, फिर आप नहीं करोगे, ओके? अब नॉनशलेंट है, ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आप कभी भी चेंज नहीं करते हो इसका फॉर्म। अगर इसका फॉर्म आप चेंज कर दिए तो आप इसको एडवर्ब बना दोगे, तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। रिकैल्सिट्रेंट, ये भी एडजेक्टिव है, इसका भी फॉर्म नहीं चेंज करना है। ऑल एंड सन्ड्री, ये ईडियम है, इसका भी फॉर्म नहीं चेंज करोगे। वॉच आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो वॉच का वॉच्ड कर सकते हो, वॉचेस कर सकते हो, वॉचिंग कर सकते हो, मगर नहीं करोगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि नहीं करना है, ओके? तो आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करना है। बस ये ध्यान रखना, सपोज इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा है डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, और आपका जो इसमें वर्ड्स है वो एक्चुअली वर्ब है जिसका फॉर्म्स होता है V1, V2, V3, V4, V5, वैसे एडजेक्टिव का फॉर्म नहीं होता है, तो वर्ब का फॉर्म होता है, तो अगर इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा है ऐसा कुछ, तो आप वर्ब के फॉर्म को चेंज कर सकते हो, ओके? तो ये इंस्ट्रक्शन है, तो प्लीज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके? और हाँ, ग्रामर में एक चीज और ध्यान रखना, आप है ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे, फुल स्टॉप जहाँ देना है वहाँ फुल स्टॉप दोगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क देना है क्वेश्चन मार्क दोगे, और कैपिटल लेटर के मिस्टेक नहीं करोगे। केयरलेसली नहीं लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है। बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं मुझे मिले हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, जैसे एक आंसर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये करण का ही आप आंसर देख लीजिए। अब इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक, सो इसने फिल किया है ब्लैंक को, ये नहीं लिखा है रीराइट करना है, तो इसने ब्लैंक को फिल किया। आप देखिए कितने अच्छे से, चाहे मार्क्स मिला हो या ना मिला हो, मगर इसने प्रॉपर तरीके से लिखा है। आप फुल स्टॉप देखिए, फुल स्टॉप दिया, पता चल रहा है इसने फुल स्टॉप दिया है, ओके? एक्सक्लेमेटरी मार्क पता चल रहा है, कहीं पे इसने कैपिटल लेटर के मिस्टेक नहीं की है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, तो ये एक लिखने का तरीका होता है। ये नहीं कि राइटिंग खराब है अच्छी है, बस राइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए और लिखने का तरीका होना चाहिए। अब देखना इसमें है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसने रीराइट किया है, प्रॉपर ब्लैंक दिया है, ये एक तरीका होता है। इससे पता चलता है कि कैंडिडेट जिम्मेदार है, डिसिप्लिन्ड है और बहुत केयरफुल है और अपने एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है, ये पता चलता है। तो प्लीज ग्रामर का जब आप आंसर्स लिखो तो ये कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, पंचुएशन मार्क, कोई मिस्टेक नहीं, और एकदम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप लिखोगे आंसर्स। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, समझना है और फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।